लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि 20 मार्च की सुबह जाह्नवी कपूर अपना पहला वॉग कवर फोटोशूट करवाएंगी। पहले ये शूट जाह्नवी और श्रीदेवी साथ में करवाने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी के अचानक चले जाने के बाद जाह्नवी अब ये शूट अकेले ही करेंगी। बता दें कि जाह्नवी इस शूट को लेकर काफी भावुक हो गई थीं और बीते एक हफ्ते से काफी परेशान भी थीं। खबरों के अनुसार जाह्नवी का यह शूट सोमवार को सुबह मुंबई के डोम इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव में होगा। इस शूट की तैयारी वो पिछले कुछ समय से कर रही हैं। इसके लिए वो जिम जा रही थीं, अच्छा खा रही थीं, ढेर सारा पानी पी रही थीं और 7 घंटे की नींद ले रही थीं। जाह्नवी के साथ शूट पर उनकी छोटी बहन खुशी भी जाएंगी। श्रीदेवी के करीबी करण जौहर और मनीष मल्होत्रा की भी वहां जाने की संभावना है। आपको बता दें कि श्रीदेवी अभिषेक वर्मन की फिल्म करने वाली थीं, लेकिन उनके निधन के बाद ये प्रोजेक्ट अब माधुरी दीक्षित को मिल गया है। जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर माधुरी और श्रीदेवी की तस्वीर पोस्ट कर माधुरी का शुक्रिया अदा किया है। जाह्नवी ने लिखा, अभिषेक वर्मन की फिल्म मॉम के दिल के बेहद करीब थी। माधुरी जी के इस फिल्म का हिस्सा बन जाने के बाद डैड, खुशी और मैं सभी आपके शुक्रगुजार हैं। यह फिल्म कपूर परिवार के साथ फैंस के लिए भी स्पेशल होगी।